नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि गुप्ता, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड वुमेन हेल्थ। आज हम बात करेंगे एक रेयर स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, स्ट्रेस फ्रैक्चर रिब्स। किसी भी एथलीट में हो सकता है, बट सामान्य तौर पर ये वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों जैसे कि रोअर्स, कैनोअर्स, कयाकर्स एंड स्लैलोम जो प्लेयर्स हैं उनमें कॉमन होता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली ये ऐसे रोइंग वाला एक्शन करना होता है जो आपके रिब्स और उनके बीच के मसल्स के ऊपर लगातार एक लोड डालता है। तो ये इंजरी इस प्रकार के खिलाड़ियों में कॉमन होती है। यह अपने आप में एक ओवरयूज़ इंजरी है। ओवरयूज़ इंजरी से तात्पर्य है जब आप, जैसे एक्यूट इंजरी होती है, एक्यूट इंजरी एक हाई एनर्जी ट्रॉमा के साथ में होती है कि आपको अचानक से इतनी ज़्यादा चोट लगी कि आपकी बोन उस चीज़ को झेल नहीं पाई और टूट गई, ये कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं। ओवरयूज़ इंजरी एथलीट्स में कॉमन होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप रिपीटेटिवली एक ही मूवमेंट लगातार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या वॉल्यूम के साथ करते हैं, आपकी अपनी मस्क्यूलोस्केलेटल यानी कि बोन्स और मसल्स की क्षमता से ज़्यादा, ऐसी स्थिति में धीरे 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 होते हुए एक्यूमुलेट होता जो स्ट्रेस है या चोट है, वो एक दिन पहले इनिशियली स्ट्रेस रिएक्शन की तरह होती है, फिर वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर थ्रू एंड थ्रू फ्रैक्चर नहीं होता, पर आपके बोन का किनारे वाले पोर्शन को ब्रेक करता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? सामान्य तौर पर मुश्किल ये है कि एक वेग सिम्टम्स इसके होते हैं, इसलिए इसके जनरली डायग्नोसिस में भी डिले होता है। थोड़ा सा कहीं दर्द हो रहा है और हमें लगता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पर ध्यान रखिए कि अगर एक दर्द जहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकलाइज पॉइंट पर पेन हो रहा है आपको रिब्स के किसी भी पोर्शन में, वो ठीक नहीं हो रहा है एक दो दिन के अंदर, तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली, आपके लिए रिब स्ट्रेस इंजरी भी हो सकती है। जनरली एक लोकलाइज पॉइंट पर आपको पेन महसूस होते रहता है, फोकल पेन होता है, ऐसे पूरे में स्प्रेड होता हुआ पेन जनरली नहीं रहता है। कुछ अन्य स्थितियाँ भी, बीमारियाँ भी उस एरिया की, जैसे कि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस जिसे हम कहते हैं, आपके रिब्स और जो ब्रेस्ट बोन है उसके जंक्शन पर कार्टिलेज के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी इसको सेम सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी इंटरकॉस्टल यानी कि रिब्स के बीच की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेन की वजह से भी सेम प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो नेचुरली ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जिसके बीच में डायग्नोसिस होना बहुत आवश्यक है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। कैसे जनरली ये डायग्नोज होते हैं? अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने नियर बाय स्पोर्ट्स सर्जन को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, वो आपके लिए जनरली हाई क्वालिटी एक्सरे एडवाइस करते हैं, उसमें विजिबल हो जाती हैं चीज़ें, आवश्यकता पड़ने पर MRI या कोई भी फर्दर जाँच कराई जाती है, बोन स्कैन वगैरह कराए जाते हैं। अगर इंजरी पाई जाती है तो ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही रिलेटिवली वेग है, यानी ऐसे कोई स्पेसिफिक सर्जरी या कुछ इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लान नहीं रहती है। आपको अपने आप को रेस्ट पर अलाउ करना है और रिब को, उस फ्रैक्चर को समय देना है हील करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, यानी आप प्रॉपर हील हुए बिना आप अपने गेम में रिटर्न बैक करते हैं, तो आप इस स्ट्रेस फ्रैक्चर को फ्रैंक फ्रैक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। खिलाड़ी का एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन होता है कि मैं कितने देर में ये इंजरी हील हो जाएगी और कब तक अपने गेम में मैं रिटर्न करूँगा? तो अगेन, बहुत स्पेसिफिकली समय बता पाना पॉसिबल नहीं है। सामान्य तौर पर 2.5 से 3 महीने का टाइम इसमें हीलिंग में जनरली लग जाता है। जो लोग अच्छे से कंप्लाई करते हैं वो जल्दी हील करते हैं, कई बार 6 महीने वगैरह का भी टाइम लग सकता है, नेचुरली डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर इंजरी। अब अगर हम बात करें कि प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, का मतलब है कि क्या ऐसा करें जिससे इंजरी प्राइमरीली हो ही ना, तो सिंपल सा वही साधारण आंसर है कि आप अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम को ग्रेजुअली बढ़ाएं। जैसे किसी भी गेम के लिए कहा जाता है कि आप अपनी लोड्स को धीरे धीरे बढ़ाएं, अचानक से एकदम से शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारा ट्रेन करने की कोशिश ना करें। इनिशियली आपको नहीं पता पड़ेगा, जब आप इंजर्ड हो चुके होंगे, ओवरयूज इंजरी से गुजर चुके होंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। रिकरेंस भी एक समस्या होती है, एक बार आपको चोट लग जाती है तो नेचुरली डर होता है कि अब दोबारा ना हो के लिए क्या करना है, तो आपको अपने आप को, अपनी रिब को समय देना है प्रॉपर तरीके से हील होने का। जब वो अच्छे तरीके से हील हो जाए तब भी आप अपने रिटर्न जब करें तो ग्रेजुएटेड रिटर्न टू स्पोर्ट्स करें, धीरे धीरे अपनी लोड्स को बढ़ाएं, और इस जब आप एक बार अच्छे से अपना स्ट्रेंथ रिगेन कर लें तभी रिटर्न करें। इस बीच में जब आप अपना रेस्ट फेज पर चल रहे हैं तो आप अपना जनरल इंड्योरेंस मेंटेन करने के लिए लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे रनिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं, तो जो एक्टिविटीज़ आपके लिम्स को, अपर लिम्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं, उनको करते हुए आप अपनी जनरल फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।